आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल प्राइमर के बारे में कि 1 लीटर वॉल प्राइमर में कितना लीटर पानी को ऐड करना है, वॉल प्राइमर कैसे लगाते हैं, कितना कोट लगाते हैं, क्या क्या डिटेल्स इस डब्बे पे प्रिंट रहती है और क्या तरीका होता है लगाने का, सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर अभी जो मेरे पास डब्बा है वो है एशियन पेंट्स का, जो कि इंटीरियर वॉल प्राइमर है। तो वॉल प्राइमर देखो दो टाइप का आता है, एक इंटीरियर वॉल प्राइमर आता है, एक एक्सटीरियर वॉल प्राइमर आता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो इंटीरियर का होगा तो वो आप इंटीरियर में ही यूज़ करोगे। इंटीरियर जैसे कि रूम के अंदर हो गया, जैसे बिल्डिंग के अंदर जहाँ भी हमें पेंटिंग का काम करना होगा वहाँ पर हम इंटीरियर वॉल प्राइमर लगाएंगे, और जहाँ भी हमें बाहर में काम करना होगा वहाँ पर एक्सटीरियर वॉल प्राइमर लगाएंगे। यानी इंटीरियर, ये जो अभी मेरे पास वॉल प्राइमर है इसको एक्सटीरियर यानी बाहरी दीवारों के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस डब्बे पे एक चीज़ और प्रिंट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिखा है वाटर थिनेबल, यानी इसमें हम इसमें क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, इसमें हमें वाटर मिक्स करना है। अब ये जो डब्बा है मेरे पास ये है 4 लीटर का है। इस डब्बे पर आपको और क्या जानकारी मिल जाएगी वो हम पीछे देखते हैं। पीछे इसके लिखा है कि इसको अप्लाई करने का क्या क्या तरीका होता है। पहले सबसे पहले इस पर लिखा है, ऊपर लिखा है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में क्या है कि आप सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद ही इस वॉल प्राइमर को अप्लाई करोगे। जैसे कि मान लो आप वॉल पुट्टी कर रहे हो, तो वॉल पुट्टी तो हम लोग डबल कोट करते ही हैं, डबल कोट के बाद ही हमें अच्छी फिनिशिंग मिलती है वॉल पुट्टी में। तो जैसे मान लो आपने 2 कोट वॉल पुट्टी कर दी, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लो, उसको फिनिशिंग कर लो, फिर उसके बाद वाली जो स्टेप होगी उसमें हम लगाएंगे वॉल प्राइमर। वॉल प्राइमर की डिटेल देखें, इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है, हमें कितना लीटर पानी इसमें ऐड करना है 1 लीटर वॉल प्राइमर में। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये वाटर थिनेबल है, यानी है इसको हम, इसमें हम सिर्फ पानी ही मिक्स करेंगे। और इसमें यहाँ पे लिखा है, देखो ये ग्रीन कलर से हमने पेन से लिखा है, वाटर थिनेबल लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है ये रेशियो देखो लिखा है 1:1। इसका ये मतलब होता है कि अगर हमारा जो ये वॉल प्राइमर है 1 लीटर है, 1 लीटर वॉल प्राइमर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें 1 लीटर ही पानी डालना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये डब्बा है 4 लीटर का, यानी इसमें हम 4 लीटर पानी ही ऐड करेंगे, ये डब्बा फिर हो जाएगा 8 लीटर का। और ये सिंगल कोट इनफ होता है, 1 कोट इनफ होता है, 2 कोट वॉल पुट्टी के बाद 1 कोट हम इसमें क्या करेंगे, वॉल प्राइमर का लगाएंगे, 1 कोट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 1 कोट इनफ होता है। तो ये वॉल प्राइमर लगाने के बाद हमें कितने घंटे उस वॉल प्राइमर को दीवार पे छोड़ देना चाहिए, तो नॉर्मली आप 2 से 3 घंटा छोड़ सकते हो, लेकिन डब्बे पे यहाँ लिखा हुआ है 3 से 4 घंटे तक आप छोड़ सकते हो कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। अब ये भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, अगर ठंडी का मौसम है तो ये धीरे धीरे ड्राई होगा, अगर गर्मी का मौसम है तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कम से कम 3 घंटे ये वॉल प्राइमर लगाने के बाद सरफेस को छोड़ देना चाहिए कि वो कम्प्लीटली सूख जाए, तभी हमें उसके बाद उस पर पेंट करना चाहिए। और बहुत सारी वीडियोस अपलोड है हमारे चैनल पे पेंट पुट्टी प्राइमर से रिलेटेड, जैसे पेंट का कैलकुलेशन कैसे करें, 1 रूम में कितनी केजी वॉल पुट्टी लग जाएगी उसका कैलकुलेशन करें, सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।